नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। फास्ट शो जिसमें हम आज के दिन की तैयारी करते हैं और 20 स्टॉक्स आपको बताते हैं। अलग अंदाज में फास्ट मनी लेकर आए हैं आज, और आप सभी दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं संदीप, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। रजत, आपको भी और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको नवमी की और उसके साथ साथ दशहरे की और जो दिवाली आने वाली उसकी भी पहले से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि कल जो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी वो ग्रीन नोट के साथ देखने को मिली थी, तो उम्मीद करते हैं कि अब जो त्यौहार आएंगे, इनफैक्ट दशहरे के पहले जो शुरुआत कल जो मार्केट की हमने ट्रेंड देखा था वो ग्रीन नोट के साथ एंड हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का जो ट्रेंड है कुछ यहाँ ट्रिगर्स हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ऐसे जो संभाल लेंगे। कल भी मैंने आपसे यही कहा था उम्मीद है और कल वो उम्मीद कहीं ना कहीं क्या उम्मीद थी। कल तो निचले सिरों से एकदम से एक्सपायरी वाले दिन बहुत डरा दिया था मार्केट ने, 9700 के लेवल के नीचे चले गए थे और एक पुल बैक बन गया। देखिए, दिवाली दशहरा ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जब हर कोई एक्साइटेड होता है, त्योहारी सीजन होता है, तो उस लिहाज से देखा जाए डिमांड अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिलती है। हर कोई खरीदने के लिए खरीदारी करने के लिए बाजार में जाता है, चाहे वो खाने पीने की बात हो, कपड़े खरीदने की बात हो, शेयर खरीदने की बात जो आप कर रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वो देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो आज भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि जो संकेत हैं कोई खास कमजोरी के नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यूएस के मार्केट्स देखिए वो अच्छे बंद हुए थे, एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो आज जो टोन है वो पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिली है। कुछ इक्का दुक्का मार्केट्स हैं जो कि हल्की गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी सभी मार्केट्स में देखिए तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही कारोबार देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है। और अच्छी बात ये भी है कि किम जोंग उन, वहाँ पे दशहरा दिवाली नहीं होता लेकिन वो पटाखे बहुत फोड़ते हैं, और उनकी ओर से कोई भी अब अच्छी खबर नहीं देख अभी खराब खबर नहीं आई अभी तक। चलिए ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली कोरिया में ना मने, इस बार दिवाली जो हिंदुस्तान में बनती है हिंदुस्तान में ही मने। पर हैंगसेंग, कॉस्पी, ताइवान, यहाँ पर थोड़े माइनर गेंस तो आ रहे हैं, हाँ डेफिनेटली, तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट से शुरुआत पॉजिटिव फुटिंग पे ही हो। और ये भी बता दूं आपको कि कल रिकॉर्ड टर्नओवर बन गया है नसीमे डेरिवेटिव्स में। देखिए सेबी की जो भी कोशिशें हैं कि कैश सेगमेंट में कामकाज ज़्यादा हो, डेरिवेटिव में कम हो, वैसे तो हो नहीं रहा। डेरिवेटिव मार्केट पे कल रिकॉर्ड तोड़ टर्नओवर था 15 लाख करोड़ के आसपास पर। एफआईएस की दिखवाली का क्वांटम 5000 करोड़ से ज्यादा का था कैश मार्केट पे। डीआईएस का 5000 करोड़ से ज्यादा का खरीदारी का क्वांटम था। ब्लॉक डील्स भी बहुत हुई थी कल, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ना ही था, लेकिन टर्नओवर देखिए आप, इनफैक्ट ये रिकॉर्ड फिगर्स हैं और इंडेक्स में भी 12 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, तो आज इम्पैक्ट तो होगा मार्केट पे। और एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा टर्नओवर था, लेकिन अब आपको ये बता देता हूँ कि कल के सत्र में जो आपको स्टॉक्स बताए गए थे जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह दी गई थी और बोला गया था कि मार्केट पे हो सकता है एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आए, उस आधार पर अपने स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड्स बनाए। मंदाना रिटेल, इसमें 5% की तेजी बनी, 147 के लेवल पे आप ये क्लोजिंग देख रहे हैं, 145 का एक टारगेट दिया गया था, ओवरशूट कर गया स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जहां पर यहां पर तेजी बनाने की सलाह दी गई थी वो था मुकुंद लिमिटेड, 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और ये भी अपने टारगेट्स को ओवरशूट कर गया। संदीप खुश हो रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में शामिल था ये इंडोकाउंट, एक और स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में शामिल था, 6% के आसपास की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। डेरिवेटिव मार्केट पे तो कल एक्शन में था स्टॉक। रिलायंस कैपिटल में 3% की तेजी, 598 के टारगेट को ओवरशूट करता हुआ नजर आया, अच्छी तेजी बनी। साथ ही साथ सुब्रोस 8% की तेजी, अब मैं बता दूं परसेंट के लिहाज से जो अभी तक के गेंस देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा गेंस सुब्रोस में दिखाई दी और ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था, 235 का टारगेट ओवरशूट कर गया। एक स्टॉक था सांगे इंडस्ट्रीज, मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था, 6.5% के आसपास की तेजी बनी, 100 के नजदीक बंद हुआ, 97 का टारगेट ओवरशूट होता हुआ नजर आया। साथ साथ मार्क्सन फार्मा में 4% के रिटर्न मिले, 42 का टारगेट हिट और यहाँ पर भी अच्छे पैसे बने। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग पे 3% के रिटर्न्स मिले, 170 का टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। तो कई स्टॉक्स यहाँ पर जो एक्शन में थे और वो पोर्टफोलियो में सलाह थी खरीदारी के लिए, साइन भी उसमें से एक था, अच्छी क्लोजिंग थी मार्केट की, पोर्टफोलियो में अच्छा प्रदर्शन। तो आज भी क्या तेजी के सौदे ज्यादा बनाए मार्केट में, आप बोल रहे हैं कि उम्मीद है कि एक पुल बैक बनेगा मार्केट? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, एक 3 दिन की लंबी छुट्टी है, लेकिन जो सीरीज का आगाज़ है, जो सीरीज की शुरुआत हो रही है अक्टूबर सीरीज की, वो एक पॉजिटिव नोट के साथ मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्योहारों का जो असली इम्पैक्ट है जो मार्केट के अंदर वो आज से देखने को मिले। पूरे नवरात्रे तो हमने लाल निशान के साथ बिताए हैं, उसी कलर का कुर्ता पहन के आए भी हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रीन के साथ ही ज़्यादातर मार्केट्स टाइम बिताए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वैसे ही कुछ शेयर आपको बताते हैं, पीएनबी हाउसिंग ये एक शेयर है जिस पर आज आप नज़र रख के चले, मुझे लगता है कि इसमें आज जो तेज़ी का रुझान है वो बढ़ता हुआ देख सकता है। कल भी करीब 3.5% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में देखने को मिली थी। दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने एक कवरेज इनिशिएट करी इस काउंटर के ऊपर, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है और जो टारगेट प्राइस वो सुझा रहे हैं वो 1675 रुपये का है, यानी कि मौजूदा लेवल से भी
करीब करीब 20% के आसपास का अपसाइड और इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। देखिए मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो जितने भी इनके पीयर्स हैं जो बाकी कंपनी उनके मुकाबले काफ़ी बेटर नजर आ रही है। ग्रोथ और उसके साथ साथ जो इनके वैल्यूएशन प्रीमियम है जिस तरह की ग्रोथ ये दिखा रहे हैं वो वैल्यूएशन प्रीमियम भी कहीं ना कहीं कंपनी जस्टिफाई करती हुई दिखेगी। तो पीएनबी हाउसिंग में हो सकता है यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिले। कल वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा था काफ़ी अच्छे जो खरीदारी के रुझान से वो बनते हुए दिखे थे। तो आज पीएनबी हाउसिंग में लगता है कि खरीदारी बढ़ी तो 1480 तक के जो जोन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 1440 के आसपास का स्टॉप लगाएं, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। कल इनफैक्ट रजत कल हमने देखा था कि एक जो पॉकेट एक्टिव थी कई दिनों के बाद वो था लॉजिस्टिक स्पेस, उसी स्पेस की कंपनी है पटेल इंटीग्रेटेड। इस पर आज आप नजर रख के चलें, मुझे लगता है कि जो लगातार जीएसटी को लेके जो बातचीत सामने आ रही है उसमें एक कंसेंसस इस तरह का बन रहा है कि दिक्कतें तो जरूर हैं, जाहिर सी बात है। 70 साल से जो देश में टैक्स सिस्टम चल रहा है उसमें अगर आप एक झटके से बदलाव करते हैं तो उसको अलाइन करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन एक कंसेंसस इस चीज़ को लेकर आ रहा है, चाहे वो सरकारी गलियारों की बात करें चाहे वो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स की बात करें। उनका यही मानना है कि शायद ये जो पेन है जीएसटी रिलेटेड शायद शॉर्ट टर्म है और 2 से 3 महीने तक शायद जारी रहेगा, और उसके बाद से जो गाड़ी है वो टैक्स स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है वो शायद पटरी पर लौटती हुई दिखेगी। तो इस कंसेंसस की जहाँ तक बात है इसी को कल बिल्डअप करते हुए मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक शेयरों में इसका तेजी में जो रुझान है वो देखने को मिला था, क्योंकि एक स्पेस अगर आप देखें जो कि जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो दरअसल लॉजिस्टिक स्पेस ही होगा। और यही कारण है कि कल हमने कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में काफ़ी अच्छी गेंस बनते हुए दिखे भी थे, और आज मुझे लगता है कि जो मिड कैप टाइप की कंपनीज है इस पूरे स्पेस में पटेल इंटीग्रेटेड जैसी वो शायद लाइमलाइट में रहे। तो 74 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 71-40 का आपको इसमें स्टॉप कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स एक्टिव हैं और टाटा ग्रुप की समूह की जो स्टॉक्स हैं वो एक्टिव हैं, उसी में से एक स्टॉक है टाटा केमिकल्स जिसमें कल के सत्र में अच्छी तेजी बनी, 2.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है और सभी एवरेजेस के ऊपर है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मैं फिर से कह रहा हूँ टाटा ग्रुप के समूह के जो स्टॉक्स हैं पिछली सीरीज में आउट परफॉर्म कर गए मार्केट को, हो सकता है कि अक्टूबर सीरीज की शुरुआत भी काफ़ी बेहतर ढंग से इन स्टॉक्स की देखने को मिले। 647 का एक टारगेट रखें टाटा केमिकल्स पे, आज 630 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉकेट रह सकता है वो है मेटल पैक। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1 से 6 अक्टूबर तक चीन के बाजार जो हैं वो बंद रहेंगे और उसका इंपैक्ट ग्लोबल मेटल प्राइसेस पे भी पड़ सकता है, और मेटल स्टॉक्स इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं पिछले अगर 1-2 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो। अब लोअर लेवल से हो सकता है कि पुल बैक बनता हुआ नजर आए, कल भी पुल बैक ट्रेड्स बन रहे थे कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पे जिसमें नैल्को शामिल था, जीएमडीसी शामिल था मेटल शेयर्स में। अब खरीदारी इसके चलते भी हो सकती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप दे चुका है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई तो वो मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव खबर बन जाएगी। नैल्को अगर आज आप खरीदते हैं नेशनल एल्यूमिनियम तो आज का टारगेट रखें 79.5 का, स्टॉप लॉस 75.5 का कैरी करना होगा इस ट्रेड पे। चलिए आपने मेटल शेयरों की बात करी तो एक स्टॉक मेरी लिस्ट में भी है वो है वेदांता का। दोनों ट्रिगर्स आपने बताई दिए हैं कि चाइना में एक तो 1 से 6 तारीख तक बाजार बंद है और दूसरा डॉलर इंडेक्स जो कि 93.50 के भी पार चला गया था अब हायर लेवल से वहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया है कल के सेशन में वो कहीं ना कहीं मेटल के लिए और इनफैक्ट पूरे जो कमोडिटी एज अ पैक उसके लिए काफ़ी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकता है। देखिए जो टैक्स प्लान का अनाउंसमेंट हुआ था यूएस में उसके बाद यूएस डॉलर में जो तेजी है वो बनती हुई दिखी थी, 93.50 के पार के लेवल से देखने को मिले थे, उस वजह से हमने देखा था कि कल वेदांता जैसे स्टॉक्स में ऊपरी तरह से प्रेशर था, 0.5% के आसपास की कमजोरी थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि दो जो मेन ट्रिगर्स हैं जैसे रजत भी बता रहे हैं उसका इंपैक्ट आज मेटल एज अ पैक में पॉजिटिव साइड पर रहेगा। वेदांता में खरीदारी करें तो 316 का टारगेट प्राइस, 306 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा एक और ऐसा पैक जो कि बीते 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वो है रियल एस्टेट का। इसमें HDL एक स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए हाई बीटा नेचर का स्टॉक है, अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और 2 दिन में अगर आप देखें बाजार में जब जब लो लेवल से रिकवरी हो रही थी तो एक रियल एस्टेट ये एक ऐसा पैक था जो कि सबसे ज़्यादा मदद मार्केट की करता हुआ दिख रहा था, और उसके साथ साथ एक IT जहाँ पे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में कुछ पुल बैक के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। HDL मुझे लगता है कि जो बीते दिनों में कुछ जो कंसर्न्स डेवलप हुए थे इस कंपनी को लेकर, जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद जो वैल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर कोई भी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे हमने कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखा था, आज मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में ऐसा ही कोई जो रुझान है वो देखने को मिल सकता है। तो HDL में कल भी हालांकि हमने 3% के आसपास के गेंस देखे थे लेकिन मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम है आज फिर से सस्टेन करता हुआ दिखेगा। 57.5 तक की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, 55.20 का स्टॉप लॉस लगाएं, इसको खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। GMDC होगा अगला शेयर जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेटल शेयर्स में निचले स्तरों से एक पुल बैक है, 1 से 6 अक्टूबर तक चीन के बाजार बंद रहेंगे और ऊपर से डॉलर इंडेक्स हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जिस तरीके की चाल देखने को मिली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप डॉलर इंडेक्स में हम देख चुके हैं। मेटल्स के लिए सब तमाम खबरें पॉजिटिव हैं, हो सकता है आज एक सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी आ जाए। GMDC अगर आप खरीदते हैं तो 141
ये आज के दिन का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको 135 के आसपास लगाना होगा। उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले अगर स्टॉक में तेजी बन गई तो, और आप मेटल स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आज तो ये है कि निफ्टी में बदलाव होने जा रहा है और उसमें एक कंपनी शामिल होगी जो है यूपीएल लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से चला नहीं है, हो सकता है लोअर लेवल से इसमें खरीदारी आ जाए क्योंकि अब इंडेक्स का हिस्सा बनेगा तो इसमें एलोकेशन करना पड़ेगा। कंपलसरी एलोकेशन हो जाता है इंस्टीट्यूशंस का जब वो इंडेक्स का कोई स्टॉक हिस्सा बनता है। तो निचले स्तरों से एक पुल बैक इसको आज के सत्र में 780 तक ले जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 760 या 758 के आसपास का लगाना होगा। तेजी एक्सपेक्टेड है उन तमाम कंपनियों में जो निफ्टी का हिस्सा बनने जा रही है। चलिए तो ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड है आज दोनों के पोर्टफोलियोज में। 8 शेयर आपके सामने रख दिए गए हैं तेजी के। अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। एक स्टॉक इनफैक्ट एक पूरा सेक्टर जो आज लाइमलाइट में रहेगा मुझे लगता है कि आईटी का रहेगा। पहले मैंने रियल एस्टेट की बात करी उसके साथ साथ आईटी एक पूरा ऐसा स्पेस है जो कि मुझे लगता है कि आज शायद रिजिलियंट दिखेगा आपको और खासतौर पे जो छोटी मझोली कंपनीज हैं उनमें हो सकता है कि जो एक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिले, इसलिए मैंने परसिस्टेंस सिस्टम को चुना है। 2-3 मेन ट्रिगर्स हैं जो कि पूरे सेक्टर को आज कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ड्राइव करेंगे और इसमें परसिस्टेंट मैंने इसलिए चुना है। एक तो इस कंपनी की यूएस से आय का हिस्सा अगर आप देखें 80-85% के आसपास की आय इनकी यूएस के मार्केट से आती है और कल एक्सेंचर के Q4 के जो नंबर्स जारी हुए हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी उसका जो हायर बैंड था उसके भी ऊपर के जो नंबर्स हैं जो गाइडेंस के ऊपर के नंबर्स हैं वो एक्सेंचर ने कल डिलीवर किए हैं तो उसका हो सकता है कि आईटी एज अ पैक में जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो साफ तौर पे देखने को मिले। दूसरी बात बीते क्वार्टर्स की जहाँ तक बात है तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखिए जो मार्जिन थे वो आईटी कंपनीज के उनमें प्रेशर देखने को मिला था क्योंकि पिछले क्वार्टर में रुपए में हमने जो स्ट्रेंथ आई थी जो मजबूती आई थी उस वजह से इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर इंपैक्ट आता वो देखे था। और इनफैक्ट Q1 एक ऐसा क्वार्टर होता है पूरे आईटी एज अ स्पेस के लिए जहाँ पे वेज रिविजन का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलता है और वीजा कॉस्ट का भी जो इंपैक्ट है वो भी पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक तो जो वेज रिविजन है जिन्होंने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाते हैं उसका इंपैक्ट नहीं आएगा और दूसरी और जो रुपया पिछली बार नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहा था नंबर्स में मजबूती की वजह से इस बार जो कमजोरी आई है हाल फिलहाल में उस वजह से जो नंबर्स हैं वो शायद आपको पॉजिटिव साइड पर टर्न होते हुए दिखे और इनके जो मार्जिन हैं उसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और तीसरी बात जो यूएस में टैक्स रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं जो छोटी मझोली कंपनीज हैं वहाँ माना जा रहा है कि ज़्यादा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा टैक्स रिफॉर्म्स का। तो ये जो मिड कैप आईटी कंपनी जो कि यूएस में ऑपरेट करती हैं हो सकता है कि उनके लिए भी एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव खबर हो। तो 3-4 मेन ट्रिगर्स हैं जिस वजह से आईटी और खासतौर पर जो परसिस्टेंट सिस्टम है वह ट्रेड में लाइमलाइट में रहेगा। मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम में आज आसानी से 655 तक की चाल देखने को मिलेगी। 635 का स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करके चल सकते हैं और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी नजर रखकर चलें। एक कंपनी है जिसके लगातार जो नतीजे हैं वो ऑपरेटिंग फ्रंट पे काफी बेहतर है वो टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है हिम्मत सिंह का सीड। इस कंपनी पे नजर रखी जा सकती है। अंतिम सत्र में कल निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था ये स्टॉक, बीटन डाउन स्टॉक है। 6 सत्रों से लगातार गिरावट थी, कल निचले स्तरों से पुल बैक बन गया लेकिन जो गिरावट आई थी 6 सत्रों में 5 सत्रों की जो औसत डिलीवरी वॉल्यूम है वो लगभग 68% के आसपास के हैं। कैश ईपीएस मेरे ख्याल से 22 रुपए के आसपास की इस कंपनी की और ऑपरेटिंग मार्जिन 19% के हैं जो लगातार मेंटेन किए हुए एक कंपनी 18-19% के मार्जिन। तो तेजी बनी तो यहां से अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप 367 का फॉलो कर सकते हैं। 326 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको हिम्मत सिंह का पे लगाकर चलना। चलिए जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपके सामने रखे गए हैं। 10 स्टॉक्स हमने आपको बताए वो खरीदारी के हैं। मैंने शुरुआत करी थी पीएनबी हाउसिंग के साथ, एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू करी है। आज उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर रहा तो 1480 तक की चाल देखने को मिल सकती है। कल लॉजिस्टिक एज अ पैक एक्टिव था, आज पटेल इंटीग्रेटेड में खरीदारी रही तो 74 तक की चाल देखने को मिल सकती है। आज हो सकता है कि जो मेटल एज अ पैक है वहां पे खरीदारी फिर से देखने को मिले, डॉलर कमजोर हुआ है। वेदांता में 316 का टारगेट लेकर खरीदारी करें और रियल एस्टेट बहुत एक्टिव है 2 दिन से तो एचडीएल हो सकता है कि इस तेजी को लीड करता हो। देखिए आज फिर से 57.50 का टारगेट, 55.20 का स्टॉप लॉस रखें और बतौर ईपीएस शेयर मैंने परसिस्टेंट सिस्टम को शामिल किया है। एक्सेंचर के Q4 के नंबर अनुमान से अच्छे आए हैं, हो सकता है आज इंडियन आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव रहें। 655 का टारगेट प्राइस, 635 रुपए का स्टॉप लॉस। शुरुआत मैंने की है टाटा केमिकल से। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में वैसे काफी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली पिछले सीरीज में, अब हो सकता है ये जो आज सीरीज शुरू हो रही है इसमें भी आउट परफॉर्म करें। टाटा केमिकल आज का टारगेट है 647, स्टॉप लॉस 630। नालको और जीएमडीसी इसलिए क्योंकि मेटल पैक्स पे हो सकता है निचले स्तरों से एक पुल बैक बनता हुआ नजर आया, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी इन स्टॉक्स ने, पुल बैक बनेगा। और इनफैक्ट ये बता दूं कि चाइना मार्केट अब हॉलीडे पे चले जाएंगे तो इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस जो है मेटल कीमतें उनमें काफी ज्यादा हो सकता है निचले स्तरों से एक खरीदारी एक तेजी बने। नालको और जीएमडीसी बेनिफिट उठा सकते हैं इसका, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। यूपीएल आज अगर चुनते हैं तो 780 का टारगेट होगा, 760 का स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टॉप लॉस निफ्टी का हिस्सा बनने जा रही है कंपनी आज से और हिम्मत सिंह का सीड बतौर ईपीएस शेयर पोर्टफोलियो में शामिल किया गया आज का। यहां पर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, अपने रडार पर रखें, इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
चले फटाफट से एसजेक्स निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज। ग्लोबल मार्केट्स कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, 9800 के पार एसजेक्स निफ्टी निकल गया है। तो जैसे संदीप बता रहे थे कि आज ग्लोबल मार्केट्स का एक क्वेश्चन है, एक सहारा है, हो सकता है इंडियन मार्केट की शुरुआत है अक्टूबर सीरीज की वो बेहतर फुटिंग पे होती हुई नजर आए।